Hey everyone, welcome back to my channel. Social events video को start करते हैं. Guys, जैसा कि हम लोगों ने last chapter में ये देखा था कि हमारा Kangzu man जो था वो हमारे इसो से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा embarrassing फील कर रहा था और उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा odd लगवा रही थी. एंड देन उसके बाद हमारा जो इसो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, एंड वो कामयाब भी रहा. उसने बात की लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी. लेकिन ऑफिस का माहौल जैसा देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली सेक्रेटरी किम. वो बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड इतनी ज़्यादा मूड स्विंग कांगज़ियोंग का हो रहा था. आई मीन ऑब्वियस ही बात है, वो इतने खड़ूस था कि उसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था. एंड सेक्रेटरी किम आकर हमारे इसु के पैर पकड़ने लगता और बोलता है कि डायरेक्टर हान आप ही कुछ कीजिए प्लीज़. एंड उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है. एंड फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें सुनने के बाद फाइनली हमारा इसो डिसाइड करता है कि वो Kangzu man को समझाएगा और उससे इस बारे में बात करेगा. अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इसो जिंजर टी लेकर खड़ा था एंड Kangzu man जो होता है वो अचानक से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करो, क्योंकि अभी भी जो ऑकवर्ड सिचुएशन थी वो गई तो थी नहीं. एंड तभी हमारा जो इसो होता है वो कहता है कि सर ये. एंड तभी जो Kangzu man रहता है कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो. इसो होता है वो कहता है कि मैंने आपके लिए जिंजर टी बनाई है, ये रही आपकी जिंजर टी. जो Kangzu man होता है कहता है कि तुम मुझे जिंजर टी पिलाने आए हो, आई मीन अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ. एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसके फेस रेड हो चुके थे एंड थोड़ा सा घबरा भी रहा था. इसको क्या तो व्हाट, आप तो बहुत टाइम पहले से ही जिंजर टी पसंद करते आ रहे हैं. एंड उसे याद दिलाता है कि आपको जिंजर टी पसंद है ना, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ. जो Kangzu man था वो इस टी को इसलिए लिया करता था जिससे उसकी पावर बढ़ती थी. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस पावर की बात कर रही हूँ. एंड जो ये सारी चीज़ें होता है हमारा इससे उसे समझा रहा होता है कि आप इसलिए टी लिया करते थे. Kangzu man होता है कहता हूँ. एंड तभी जो इससे होता है वो आगे कहता है कि मुझे लगा था कि आपको टी की ज़रूरत है जो आपको पीनी चाहिए और आप शायद इसे अप्रिशिएट भी करेंगे. और सोचने लगते हैं कि बस क्या इसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही हैं अब. एंड फिर तभी जो Kangzu man होते कहते हैं और उस टी को ड्रिंक करने लगता है एंड फाइनली पूरा पी जाता है. एंड ये बात सुनते हैं इसे सोचने लगता है कि वाओ इस पर्सन को ना ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पर्सन को डिज़र्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आई मीन इसको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड फाइनली जो Kangzu man रहता है उस सारी टी को ड्रिंक कर लेता है. एंड तभी आगे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो अब. एंड तभी जो इसो होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने उस टाइम किया था एंड मैं अपने राइट माइंड में नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. एंड ये बात सुनते जो Kangzu man रहता है उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम माफ़ी मांग रहे हो ये सारी चीज़ें करने के बाद, दैट्स ऑल. पहली बात तो ये तुम ये सारी बेकार की चीज़ें घर तक लेकर आए और ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है. हमारा इसो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मैंने जो प्लास्टिक के कप्स खरीदे थे ना वही मुझे लेकर आना चाहिए था, ये अब ग्लास टूटने वाला है बेचारा ग्लास. एंड तभी जो Kangzu man होता है वो अपनी जगह से खड़ा होने लगता है. इसको कहता है कि देखिए सर मेरी बात सुनिए, अगर मैं लीगली बात करूँ तो सर हम लोग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है. साउथ कोरियन लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लीगली तौर पर गे मैरिज को नहीं माना जाता, टेक्निकली ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कह सकते एंड हम लोग ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो कुछ भी किया वो. एंड तभी ये बात सुनते जो Kangzu man होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लीगल की बात कर रहे हो, तुम लीगली स्पीक कर रहे हो, तुम ये सारी चीज़ें के बारे में बात करो, ये सारी चीज़ें लॉ के बारे में नहीं है. एंड तभी हमारा इसे सोचने लगता है कि एक मिनट ये मेरे ऊपर उंगली करके बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, वाह इसके लिए तो अच्छे ही तरीका था क्योंकि अभी तक उसने कोई चीज़ फेंक कर तो मारी नहीं थी. इसो का दिमाग अब और चलता है और सोचने लगता है क्या होगा अगर मैं इसके फिंगर को अपने माउथ में ले लूँ, क्या ये शांत हो जाएगा. एंड वो इमेजिन करने लगता है कि इसके फिंगर को लिक कर रहा था. तभी इसो अपने थॉट्स को साइड में रखते हुए आगे कहता है कि सर क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करें, आई मीन हम दोनों एक दूसरे को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं.
आप भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे मैं आपको ट्रीट करता हूँ। और सिर्फ अकेले की मेरी ही फीलिंग थोड़ी थी, आपकी भी तो फीलिंग थी ना। ये बात सुनते कंग्सुमेन कहता व्हाट, एंड तभी उसके आगे हमारा इस स्वागी कहता है कि क्यों ना इस सभी चीज़ों को, इस चीज़ों को इक्वल पार्ट में अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाए। आई मीन ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और एक मैन बनिए, एक मैन की तरीके से। कंग्सुमेन था वो कहता है ट्रू मैन, और उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसका डर था वही हुआ, वो ग्लास को उठाता है और गाली देते हुए उसके ऊपर फेंक देता है। हमारे इससे होता है उसके शोल्डर पे वो चीज़ टकराती है और कहता है कि ओह गॉड इसका टेम्पर ना, और वो ग्लास टूट जाता है। जैसे कि हमारे इस ने सोचा था प्लास्टिक का ग्लास लेकर आता तो ना ये ग्लास टूटता और ना ही उसे चोट लगती। एंड तभी इसे सोचने लगता ओके ओके अगर मैं इस ओल्ड मैन को देखूँ ना तो सच में मैं इसको ना एक पंच कर सकता हूँ, एक हिट कर सकता हूँ फॉर श्योर। बट आई गेस हम लोग और ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले हैं। एंड तभी वो आगे कहता है कि तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। एंड फिर ये बात सुनते जो कंग्सुमेन होता है वो कहता है मूव आउट, और उससे गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगता है। वो क्लियरली जवाब नहीं देता और वो आगे कहता है यू मैड मैन, मैंने सोचा था तुम दूसरों से अलग होगे, बट अभी के अभी मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जाओ और अपने रूम में जाओ। इसका मतलब वो उसे यहाँ से जाने भी नहीं देगा। इससे जो होता है वो कहता है यस सर, और सोचने लगता है टाइम पे यहाँ से भाग लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। एंड उसके बाद हमारा इशू आगे बताता है कि ऐसा लग रहा था ना कि जो जूम मैन है ना वो सडनली बस्ट हो गया है और वायलेंस के खिलाफ। मैं हेल्प करना चाहता था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना लगता है कि उसका गुस्सा मेरे पे जितना ज़्यादा बस्ट हो गया ये थोड़ा हेल्प किया कि सभी को जिसके जो वर्क थे ना उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की इसने। हाँ कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और बेवकूफ़ जैसी हरकतें करने लगता है ये ओल्ड मैन, बट फाइनली हम लोगों ने अपनी पीस वापस पा ही ली। एंड कंग्सुमेन था वो अपने पेपर पेन से किसी पेपर पे साइन कर रहा था, इससे उसे देख रहा था और सोचने लगता है बट अभी इसको इस तरीके से देखना सच में कितना ज़्यादा अनॉइंग है ये स्टूपिड ओल्ड मैन। एंड सोचने लगता है कि ओके मुझे शांति कायम रखनी होगी और शांत रखना होगा अपने आप को। एंड तभी जो कंग्सुमेन होता है कहता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इससे होता है कहता है नथिंग सर। एंड जो कंग्सुमेन रहता कहता है और फिर से अपना काम करने लगता है, वो साइन कर लेता है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा नॉर्मल था। एंड तभी हमारा इशू होता सोचने लगता है कि ये सूट ये मैंने पिक किया था आज मॉर्निंग में इसके लिए, हाँ सच में अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, बट मैंने सोचा नहीं था कि ये ओल्ड मैन स्माइल भी कर सकता है। ओल्ड मैन और स्माइल कर रहा है, इसकी पर्सनैलिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्योंकि कंग्सुमेन थोड़ा सा नॉर्मल था तो गुस्सा वाला एक्सप्रेशन आ नहीं रहा था, इस्सू उसे ही देखे जा रहा था और अपने लिप्स को लिक करने था। ओ डैम हमारा इस्सू भी ना काफ़ी ज़्यादा ठरकी होने वाला, ठरक से भर चुका है। तभी सोचने लगता है मैं तो इसे स्मेल भी कर सकता हूँ, इसकी बॉडी के सेंट को, इसके बॉडी वॉश को अच्छे तरीके से स्मेल कर सकता हूँ। तभी जो कंग्सुमेन होता कहता है ये रहा, ऐसे पेपर दे देता है। इस्सू कहता है ओह थैंक यू, और सोचने लगता उप्स क्या सोच रहा था। एंड तभी जो कंग्सुमेन होता है उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। हमारा इससे सोचने लगता है क्या हुआ, ये मुझे अब क्यों देख रहा है, थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन नहीं होगी। एंड वो चेयरफुल स्माइल के साथ कहता है कि थैंक यू सर। एंड ये चीज़ और ये स्माइल देखते हुए अब कंग्सुमेन की बारी थी ब्लश करने की। उसका फेस पूरा रेड हो जाता है और सोचने लगता व्हाट द हेल, ये सडनली इस तरीके से स्माइल क्यों कर रहा है। एंड तभी वो गुस्से में कहता है कि गेट आउट। एंड तभी इससे कहता है यस सर। एंड वो चला जाता है। एंड जो कंग्सुमेन रहता है एक अजीब सी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। एंड जो इशू होता है उसे ये फील हो रहा था कि वो उसे गुस्से में देख रहा था और सोचने लगता डैम इट मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या। एंड अब वो एलिवेटर में होता है, सोचने लगता है कि मैं तो उसके डरावने और गुस्से से भरे नज़रों को भी महसूस कर सकता हूँ, बट मैंने उसको पहले भी देखा है, बट ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ कि वो गुस्से में था और क्यों है। ओके ये क्लियरली दिख रहा है कि उसका जो गुस्सा है अभी तक ओवर नहीं हुआ है। ठीक है एक बार ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, ठीक है मैं फिर से उसके साथ सोने का फिर से प्लान नहीं करूँगा, एक बार जो किया वही इनफ था, अब उसके साथ फिर से सोया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और सोचने लगता है कि अब मैं इतना ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मैं खुद एबल हूँ कि अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, और मुझे कहाँ पर रुकना है ये भी मुझे पता है। और सोचने लगता है कि
उस दिन, एंड हमें हमारा इससे आगे बताता है कि उस दिन के बाद से कांगजू मैन बहुत अजीब तरीके से एक्ट करने लगता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो इसु होता है वो बैठा हुआ था और खाने पे कांगजू मैन आया नहीं था, और सोचने लगता है कि मैंने उस ओल्ड मैन के फूड को देखा है, वो डिनर पे आना ही बंद हो गया, पूरे होल वीक वो डिनर पे नहीं आया। एंड तभी कांगजू मैन कहता है आई एम डन, ये दूसरा सीन था। एंड तभी इसु कहते व्हाट, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड नहीं बचे, आपने ठीक से खाया ही नहीं। एंड तभी इसु हमें आगे बताता है कि वो ब्रेकफास्ट को बहुत मुश्किल से ही टच करता था, एंड वो पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लगता था, पता नहीं क्या कर रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आखिर वो कर क्या रहा है। एंड ऑफिस में पूरे दिन वो सोता ही रहता था अपने डेस्क पे, पता नहीं क्या करूँ, ये सब चल क्या रहा है, क्या ये मरने वाला है। एंड वो किसी को कॉल कर देता है, एंड कॉल पे कहता है कि हेलो सेक्रेटरी किम, मैं प्रेसिडेंट कांग बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है हमारा जो इसु होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है, और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है जो सेक्रेटरी किम ने कही होती है। सेक्रेटरी किम ने कहा था कि वो क्या क्या कर रहा है। हमारा इसु हमें बताता है कि वो आजकल कंट्री के सभी मैडम से मिल रहा है। मैडम्स मीन्स आई मीन वो वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैडम सॉन्ग कौन थी और वो किस मैडम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कंट्री के सभी मैडम से मिल रहा है। वो अपनी नाइट स्पेंड कर रहा था बाहर ही, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा था। सो गाइस मैं बता दूँ, हेडफोन ज़रूर पहन लेना, क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया था कि प्लीज़ ऐसे वर्ड का यूज़ मत किया करो, क्योंकि वो फ़ोन लाउड स्पीकर पे था, आई मीन स्पीकर पे था, तो वो जो वर्ड था वो सब चला गया और वो अपने मॉम के पास थे, एंड वो एक बॉय था, सो आई एम रियली सॉरी। तो ऐसी चीज सिचुएशन हो जाती है, मैं पहले वैसे वर्ड का यूज़ करती थी बट अभी बहुत कम कर दिया है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है, क्या करूँ यार, बट कंट्रोल कर रही हूँ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ हेडफोन पहन लीजिए, अदरवाइज अगर कुछ हुआ आपकी गारंटी। अब हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी किम से बात कर रहा था हमारा इसु। सेक्रेटरी किम कहता है कि वो रिसेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उन्हें फिर से कोई चीज़ का शौक चढ़ा है या फिर कुछ और, या फिर से कोई उनको हवा लग गई, मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। जो इसु होता है वो सोचने लगता है ओह गॉड, अगर इसका बिहेवियर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे वर्क पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एंड वो कहता है ओके तो मैं आ जाऊँगा और उसे पिक करूँगा। एंड ये बात सुनते सेक्रेटरी किम कहता है व्हाट, वेट वेट सर। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसु उसे पिक कर रहा था और घर ड्रॉप कर रहा था, और सोचने लगता ओल्ड मैन आज तुम ना कहीं भी बाहर नहीं जा पाओगे, और उसे घर पर लेकर आया था क्योंकि जो कांगजू मैन था वो स्लीपी ही था, तो उसे होश नहीं था कि वो कहाँ पर जा रहा है, उसकी गाड़ी कहाँ पर है। अब घर के पास वो लोग आ जाते हैं, कार पार्क हो जाती है, तभी कांगजू मैन कहता है हम लोग होम, हम लोग घर आ गए, मैंने कहा नहीं था कि मुझे गंगनम जाना है, घर पर नहीं। एंड तभी इसु कहता है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप इस तरीके से एक जिंदा लाश की तरह बन जाएंगे। एंड तभी कांगसू मैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, ओ गॉड। एंड वो घर में चला जाता है। इससे सोचने लगता है कि सच में इसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा टेरेबल है। एंड फिर उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसु उसके रूम में आता और कहता है सर। एंड फिर उसके बाद जो कंज्यूमर तो कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे इन सारे अफेयर्स में अपने बीच में पड़ने वाले, तुम्हें मेरे इन सारे मैटर्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। एंड जो ये बात सुनकर हमारा इसु कहता है सर मैंने सुना कि आप बहुत सारी मैडम से मिल रहे हैं आजकल, अपनी एज देखिए, क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें ईजी है। एंड ये बात सुनते ही जो कांगसू मैन होता है उसकी शर्ट पकड़ लेता है, उसकी कॉलर को ग्रैब कर लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा मेरी एज के बारे में। इससे सोचने लगता है ओ गॉड ये क्या मुझे मारने वाला है, ओके अगर ये मुझे मार भी देगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पिट चुका हूँ। एंड तभी वो कहता है ऑफ कोर्स, एंड तभी कहता है मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मेरे माइंड में है, अगर ये मुझे मारेगा भी तो ठीक है। एंड तभी कहता है ऑफ कोर्स आपको फ्रीडम है, आप जो करना चाहे कर सकते, आपकी विश है, लेकिन क्या होगा कि अगर आप जिंदा लाश की तरह हो जाए, आपको स्ट्रोक आ जाए, मैं आपकी डायपर चेंज करने वाला नहीं हूँ, हाँ आपके उस चीज़ को सख ज़रूर कर लिया, उस प्राइवेट पार्ट को सख ज़रूर किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी डायपर चेंज करने लगूँ। एंड ये बात सुनते कांगसू मैन कहता है यू लिटिल, एंड गुस्सा करने लगता है और उसकी शर्ट को पकड़ कर वो घसीटते हुए लेकर जाता है और कहता है कि ठीक है ऑल राइट,
तुम अगर यही चाहते तो चलो चलते हैं। एंड उसे घसीट कर लेके जाते, इसु कहता है हे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एंड अब कांग्सुमैन उसे बेड पर फेंक देता है। इसु कहता है आउच। एंड तभी कांग्सुमैन कहता है लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कम जानते हो और कम सोच हो। अपने पैंट्स को रिमूव करने लगता है और पैंट्स को पूरी तरीके से निकाल देता है और अपनी चीज़ों को, अपनी थिंग को उसके सामने कर देता है। एंड इसु कहता है वॉट। वो सच में प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए कि ये सारी चीज़ें कांग्सुमैन करेगा और ऑल ऑफ सडन। एंड तभी जो कांग्सुमैन होता है उसके सर को पकड़ता है और प्रेस कर देता है। सो गाइस ये सारी कुछ वायलेंस वाली सीन है, मैं ये नहीं दिखाऊंगी, आपको फिर से बता रही हूँ तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो कांग्सुमैन होता है वो अपने हाथों से उसके सर को प्रेस कर देता है बेड पर और उसकी बॉडी के ऊपर आ जाता है और अपनी चीज़ को उसके बैक की तरफ देने लगता है और कहता है कि अब इसको झेलो तुम। इससे सोचने लगता है कि मुझे प्रेस करा डाउन की तरफ, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। एंड अब जो कांग्सुमैन होता है उसके पैंट्स को रिमूव करने लगता है इसु के। इसु कहता है कि सर सर मेरी बात सुनिए, एटलीस्ट आपको ल्यूब या फिर लोशन का यूज़ करना चाहिए इससे पहले कि आप इस चीज़ को एंटर करें। ये बात सुनकर जो कांग्सुमैन रहता है वो कहता है ये सारी बातें सुनकर ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे, ल्यूब ये सारी चीज़ें कभी नहीं। एंड फिर कांग्सुमैन की बातें सुनकर इसु कहता है सर प्लीज़ अदरवाइज़ मुझे चोट लग जाएगी, ब्लीडिंग होने लगी, प्लीज़। लेकिन कांग्सुमैन बिना उसकी बात माने हुए अपनी उस चीज़ को एंटर करता है, इंसर्ट कर देता है और अपनी बॉडी को प्रेस करने लगता है और कहता है कि जितना रोना है रो लो यू, और उसे गालियाँ देने लगता है। और वो आगे कहता है कि ओल्ड मैन ना तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला है। एंड और भी अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कर रहा था, तो वर्ड्स की लिमिट को कायम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। है ना, वहाँ जो इसु था वो क्राई कर रहा था, उसे सच में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इट्स अ हर्ट। एंड तभी जो कांग्सुमैन होता है कहता है ओह गॉड तुम कितने ज़्यादा टाइटर हो सच में, ये और भी चीज़ों का यूज़ करती यार मैं कैसे कहूँ, बट यू नो ना आपको इतनी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो कहता तुम्हारी जो लोअर पार्ट है ना काफ़ी ज़्यादा टाइटर है, इतनी जगह भी नहीं है मेरे इस चीज़ के लिए। हाँ, और उसके बट पे स्लैप कर देता है। जो इसु होता है कहता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी जो चीज़ है उतनी ही टाइट है जैसे हमेशा होती है और मेरा ये चीज़ एक नीडल की तरीके से है। ये बात सुनते ही जो कांग्सुमैन होता है वो कहता है नीडल किस चीज़ के लिए। और वो इसु के उस लोअर पार्ट के बारे में अजीब अजीब सी चीज़ें कहने लगता है, वर्ड्स का यूज़ करता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसे काफ़ी ज़्यादा सीन दिखाया जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद कांग्सुमैन कॉल करता है सेक्रेटरी किम को और कहता है मेरे सारे इवनिंग के प्लान आपसे जितने भी आगे के थे वो सारे कैंसिल कर दो मेरे वर्क को छोड़कर। एंड हमारा इसु तो पूरा तरीके से टायर्ड हो चुका था। एंड फिर वो इसु की तरफ देखते हुए कहता है कि अब से मैं सीधे घर से वर्क जाऊंगा और वर्क से सीधे घर आऊंगा अब से। और उसके चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल थी कांग्सुमैन के चेहरे पे। एंड इसु जो होता है अपने पैंट्स को वेयर करता है और अभी भी इसु को देखकर कांग्सुमैन स्माइल कर रहा था। इसु सोचने लगता है कि वॉट हाँ ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, और उसे गुस्सा आ रहा था। एंड तभी वो कहता है कि मैं कल ऑफ ले रहा हूँ, मैं कल ऑफिस नहीं जाने वाला। एंड जो कांग्सुमैन होता है वो स्माइल करते हुए हाँ कर देता है। इसु को तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सोचने लगता है अगर मुझे हेमरॉइड्स हो गए ना इस मैन की वजह से तो मैं इसे जान से मार दूंगा। एंड अब दूसरे दिन वो कुक कर रहा था एंड जो कांग्सुमैन था वो खाए जा रहा था जैसे कि वो नॉर्मली खाता था, सब चीज़ नॉर्मली हो चुकी थी। मॉर्निंग के टाइम जो कांग्सुमैन था वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। इसे सोचने लगता है कि आज मैंने डे ऑफ लिया था बट ये मुझे कुक क्यों करने के लिए बोल रहा है। एंड तभी कांग्सुमैन होता है वो कहता है क्या बहुत ज़्यादा तुम्हें हार्ट हो रहा है। इसु कहता है मैन एंड वुमेन सेम नहीं होते, मैन वुमेन की तरह किसे बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन तुम बिना प्रिपेयर किए हुए ये सारी चीज़ें करोगे। सच में इस बार मुझे ब्लीडिंग आ गई, एक्चुअल में इस बार मुझे ब्लड आया था एंड मैं ठीक से वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ दिनों तक तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊँगा। एंड ये बात सुनते कांग्सुमैन कहता है तो फिर कुछ दिनों का डे ऑफ ले लो। ये बात सुनते इसु कहता है बस यही। एंड ये बात सुनते कांग्सुमैन कहता है इसमें क्या गलत है, हम दोनों एक दूसरे को फेवर तो ऐसे करते रहते हैं ना। इसु सोचने लगता है कि ये सेम थिंग्स नहीं है। एंड कांग्सुमैन जो होता है वो उसकी तरफ अजीब से लुक देखते हुए कहता है कि ओह मुझे इस तरीके से देखो मत। तो इसु होता है कहता है यस सर। एंड जो इसु होता है सोचने लगता है फाइन ये सारी चीज़ें एक बार की ही बात है और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसु हमें आगे बताता है अनफॉर्चुनेटली
मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। कांगजू मैन ने कुछ उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सो मुझे लगा ये इंसिडेंट बस ओवर हो गया, बट एक वीक के बाद मैं फुली हील्ड हो चुका था एंड इसु अपने वर्क पे था। एंड उसे कांगजू मैन का कॉल आता है और कहता है यस सर व्हाट। एंड जो कांगजू मैन होता है वो कहता है कि आज घर जल्दी चले जाओ, डिनर टेबल रेडी करना एंड उस चीज़ को भी रेडी रखना। एंड तभी हमारा जो इसु होता है कहता है व्हाट, एंड वो फ़ोन रख देता है और सोचने लगता है रेडी व्हाट। एंड तभी एक एम्प्लॉयर रहता है कहता है डायरेक्टर हान। एंड तभी उसे सोचने लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड तभी कहता ओ हाँ मुझे दीजिए, मैं इसे देख के आपको बताता हूँ। एंड अब वो घर आ जाता है एंड घर आकर वो कुकिंग करने लगता है और कहता है ये पॉरिज सच में आज की ये खाना ना, ये पॉरिज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है जैसा कि उम्मीद किया था। एंड तभी उसे फिर से कॉल आता है कांगजू मैन का और वो कहता है यस सर। एंड तभी उसने कहा कि क्या तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। कांगजू मैन की बात सुनकर इसु कहता है कि हाँ सर, आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। मैं घर पर आ चुका हूँ, मैंने रेडी कर दिया है फूड को। एंड ये बात सुनते ही कांगजू मैन कहता है तुम ये सारी चीज़ें इजीली कैसे कह सकते हो। इसु कहता है व्हाट डू यू मीन सर। कांगजू मैन कहता है कि व्हाटएवर, तुम बस अपने आप को रेडी रखो, मैं इस बार जाने नहीं दूंगा तुम्हें इतनी इजीली से, जस्ट बिकॉज कि तुम उस टाइम हर्ट हो गए थे या फिर इस टाइम हर्ट हो जाओगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसु सोचने लगता है व्हाट, और कहता है व्हाट वेट सर। एंड तभी कांगजू मैन फोन रख देता है, सोचने लगता है एक मिनट, ये सारी चीज़ें वो फिर से अगेन करने की सोच रहा है। इसु जो होता है वो सोचने लगता है एक मिनट, क्या होगा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, वो क्या करेगा मेरे साथ। एंड उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो तो अजीब सी मुसीबत में फंस चुका था और कहता ओह गॉड मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है कांगजू मैन आ जाता है अंदर की तरफ। एंड तभी इसु कहता है सर आप आ गए। एंड इसु पूरी तरीके से वेट हो चुका था, उसको बहुत ज़्यादा स्वेट हुआ था। एंड यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। सो गाइज लेट मी क्लियरिफाई वन थिंग, जो हमारा इसु है इस बार वो कांगजू मैन के क्लोज नहीं गया, कांगजू मैन उसे क्लोज आया। तो कांगजू मैन को ब्लेम करते हैं, इसु को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि इस पूरे सीरीज में इस तरीके से दिखाया गया ना कि हमारे इसु ने ये सारी चीज़ें किया एंड इसु कांगजू मैन के साथ इंटीमेट हुआ। सो इसमें तो सिर्फ एक चीज़ की गलती नहीं है ना, हमारा इसु ही नहीं था जो इंटीमेट हुआ। हाँ आई नो इसु जो है वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था कांगजू मैन के साथ, बट इस टाइम ये सारी चीज़ें कांगजू मैन शुरू कर रहा है। तो गाइज याद रखिएगा इस चीज़ को। आई होप आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइज।